हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, जिसमें हम ब्लास्टुलेशन, फेट मैप और ये कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। इसकी जो फेट मैप है ब्लास्टुला की, इसके अंदर वो आएगी। हमने इसकी समरी की थी कि जिसमें स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद क्लीवेज के ड्यूरेशन में ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रोला बनेगा, गैस्ट्रोला के बाद इसके अंदर फॉर्मेशन होगी इसके ऑर्गन्स की, न्यूरल ट्यूब बनेगी, न्यूरोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, लार्वा की फॉर्म बनेगी, लार्वा से फिर वो अडल्ट के अंदर चेंज होगा और उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये कंप्लीट हमने इसके अंदर पढ़ना होता है। हमने पढ़ लिया था कि कैसे इसके अंदर स्पर्म है, कैसे इसके अंदर एग है और फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस क्या हो चुका है, उसके अंदर क्या चेंजिंग है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लीवेज कैसे हो रही है उसके अंदर और कैसे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है और कैसा उसके अंदर ब्लास्टुला है, ये हम इसके अंदर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द क्लीवेज एंड द ब्लास्टुला। क्लीवेज कैसी है इसके अंदर? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो पूरा एग होता है उसके अंदर सभी तरह से सब पूरा का पूरा एग क्या है, डिवाइड करता है जो सेल्स है, जो क्लीवेज के ड्यूरेशन में ब्लास्टोमियस बनती है उसके अंदर। अनइक्वल, उसके अंदर सेल्स क्या है, सभी अलग अलग होती हैं, अनइक्वल होती है, जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो एक सिंगल साइज की नहीं होती। क्यों? क्योंकि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, योक क्या होता है उसके अंदर, ज्यादा होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डिवीजन क्या होती है इसके अंदर? मोर रैपिड होती है। कहां पर? एनिमल हेमिस्फीयर के अंदर। क्यों? क्योंकि एनिमल हेमिस्फीयर के पास योक नहीं होता और पास स्लोली इन द वेजिटल हेमिस्फीयर, क्योंकि वेजिटल हेमिस्फीयर के पास क्या होता है, योक होता है, इसलिए वहां पर क्या है, डिवीजन बहुत स्लो होती है। क्लीवेज का पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2.5 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते ही उसके 2.5 आवर के बाद जो ये है क्लीवेज है वो स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। मैकेनिज्म किसके अंदर डिवीजन कैसे होती है, जो क्लीवेज होती है, जो फर्स्ट क्लीवेज होती है दैट इज मेरिडायनल एंड बाइसेक्ट द जाइगोट इनटू द टू आइडेंटिकल ब्लास्टोमियर्स। इस तरीके से कि दो इक्वल हाफ्स में क्या कर देती है, वो उसको डिवाइड कर देती है, जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट अभी डिवाइड होता है। फर्स्ट जो डिवीजन होती है, फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वो इस तरीके से होती है, जिसको हम मेरिडायनल डिवीजन बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जहां से स्पर्म एंटर करता है, कहां से, एनिमल पोल पे जहां से स्टार्ट करता है, एंड एक्सटेंड अलोंग द प्राइमरी एग एक्सिस बाइसेक्ट द ग्रे क्रिसेंट। तो ये क्या करता है कि जो एग है उसके अंदर जहां पर ये स्टार्ट होता है एनिमल पोल से, जहां फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ये सॉरी स्पर्म है जो ये यहां से फ्यूज करता है, तो यहां से क्या है ग्रे क्रिसेंट और जो इसके अंदर डिवीजन है अपोजिट में होता है, ग्रे क्रिसेंट के अपोजिट में क्या मिलता है हमें, स्पर्म की एंट्री मिलती है। तो ये क्या करता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से होगा क्योंकि ग्रे क्रिसेंट कहां है, यहां प्रेजेंट है, तो ये डिवीजन इस तरीके से स्टार्ट होती है जस्ट अपोजिट टू द ग्रे क्रिसेंट, तो ये डिवीजन इस तरीके से कंप्लीट होती है। सेकंड क्लीवेज भी कैसी होती है, मेरिडाइनल होती है, राइट एंगल टू द फर्स्ट, कि जैसे फर्स्ट वन हुई थी उसके राइट एंगल, फर्स्ट वन इस तरीके से हुई थी और सेकंड वन क्या है, इस तरीके से होगी, जो पूरे के पूरे एग को क्या है, डिवाइड कर देती है, कंप्लीट डिवीजन उसके अंदर हो जाता है। तो अब क्या हो जाती है, 4 ब्लास्टोमियर की फर्स्ट क्लीवेज के बाद कितनी हुई, 2 हुई। अब सेकंड क्लीवेज के बाद क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और क्या है वो, बोथ ब्लास्टोमर्स आर इक्वल बट डिसिमिलर हमें। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिवीजन ऑफ ग्रे क्रिसेंट। ग्रे क्रिसेंट क्या है, अलग अलग होता है, अनइक्वल डिवाइड है उनके अंदर। ओनली पोस्टीरियर ब्लास्टोमियर्स हैव द ग्रे क्रिसेंट। ये जो लोअर ब्लास्टोमियर्स होती हैं, सिर्फ इनके पास क्या होता है, ग्रे क्रिसेंट होता है। जो अपर सेल्स होती हैं उनके पास ग्रे क्रिसेंट नहीं होता है। तो ये क्या है, अनइक्वल इसके अंदर डिवीजन है और ये अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स इसके अंदर होती है। इस तरीके से कि फर्स्ट में क्या है, जाइगोट, जाइगोट के बाद 2 सेल्स डिवाइड हुई, फर्स्ट क्लीवेज यहां से हुई इस तरीके से डिवीजन, सेकंड क्लीवेज की डिवीजन इस तरीके से होगी, ये 4 ब्लास्टोमियर्स हो जाती हैं। जो अपर की 4 ब्लास्टोमियर्स होती हैं उनके पास ब्लास्टोमियर्स के पास ग्रे क्रिसेंट होता है और 2 के पास ग्रे क्रिसेंट नहीं होता है। 8 सेल डिवीजन होती है, इसमें आगे डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। जो थर्ड क्लीवेज आती है वो क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल।
जैसे कि आप इसके अंदर देखो, ये देखो इस तरीके से डिवाइड हो गया, यो ये अपर फोर थी, उसके अंदर ये डिवीजन हो गया। अब क्या होगी, ये एट सेल स्टेज होगी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है इसके अंदर। इट डिवाइड द ब्लास्टोमियर्स अनइक्वली, इट इज स्लाइटली अबो द इक्वेटर टुवर्ड द एनिमल पोल। एनिमल पोल के साइड में क्या होता है, ये डिवाइड ज्यादा होता है। अपर फोर ब्लास्टोमियर्स स्मॉलर होती हैं, पिगमेंटेड होती हैं, योक फ्री होती हैं एंड कॉल्ड द माइक्रोमियर्स, वो क्या होती है, छोटी होती हैं। लोअर फोर्स क्या होती है, लार्जर, पेलर, पेलर कलर, पेल कलर की योकी होती है, योक होता है वहां पर, और दैट इज नोन एज द मैक्रोमियर्स। सो इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल क्लीवेज। तो डिफरेंशियल क्या हो गया कि ऊपर की लेयर क्या, अपर की जो क्लीवेज के थ्रू बनी है सेल्स, दैट इज माइक्रोमियर्स, स्मॉल है साइज में, और जो लोअर में बनी है वो मैक्रोमियर्स है, इनको हम मैक्रोब्लास्टोमियर्स भी बोलते हैं। फोर्थ क्लीवेज दोबारा क्या आ जाती है, वर्टिकल आ जाती है। अब क्या बन जाते हैं, उसके बाद 16 सेल का एम्ब्रियो बन जाता है, और वो क्या हो जाता है, दो टायर्स में डिवाइड हो जाता है, 8 माइक्रोमियर्स और 8 मैक्रोमियर्स जो लोअर में प्रेजेंट है। ये देखो 8 सेल स्टेज में क्या हो जाता है कि 4 ऊपर और 4 नीचे, और इससे आगे जब 8 सेल से 16 सेल स्टेज आती है तो यहीं पर इनके अंदर क्या है, डिवीजन ज्यादा हो जाता है, और ये 8 सेल का अलग से अलग टायर बन जाता है जो माइक्रोमियर्स होती हैं, और जो लोअर में होती हैं यहाँ पर वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और उनका अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है जिसको हम टायर बोलते हैं। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है अलग अलग, इसके अंदर हर एक जो डिवीजन है, हर एक जो क्लीवेज है वो डिफरेंट है फर्दर जो पहले वाली है उससे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिफ्थ क्लीवेज के बाद क्या आ जाती है, फिफ्थ क्लीवेज में दोनों प्लेन्स में क्या हो जाता है, फिर वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है। अब क्या हो गया, 32 सेल स्टेज आ गई है, 32 ब्लास्टोमियर्स की सेल है, ब्लास्टोमियर्स बढ़ गए हैं, अब वो अरेंज कब कर रहे हैं, अब 4 टायर्स में, क्योंकि 16 वाले क्या है 2 टायर्स में अरेंजमेंट था उनका 4 4 का, अब ये क्या आ गया है 8 8 का, सॉरी, और अब इसके अंदर क्या आ गया है, ये 8 8 के 4 टायर्स, 4 ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा है। दो अप्पर टायर हैं जो वो 16 माइक्रोमियर्स के बनते हैं, और जो लोअर है वो 16 माइक्रोमियर्स के बनते हैं। तो अब वही सेम है कि अपर वाले क्या होंगी, माइक्रोब्लास्टोमियर्स, लोअर में क्या होंगी, मैक्रोब्लास्टोमियर्स। एक अलग चीज क्या होती है इसके अंदर कि फिफ्थ क्लीवेज के बाद रेगुलेटरी डिवीजन क्या है, गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि जैसे अब डिवीजन हो रही थी कि सारा का सारा क्या है, जो डिवाइड हो रहा था, कि जैसे 2 सेल बनी, फर्स्ट जाइगोट, जाइगोट के बाद 2 बनी, 2 के बाद 4 बने, 4 के बाद 8 बने हैं, और 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। अब इसके बाद इस तरीके से नहीं होते कि 32 के बाद 64 आएगा। अब इसमें ये होता है कि कुछ सेल्स जो अपर की है वो डिवाइड हो जाती हैं, कुछ है जो नहीं होती हैं, या होता है कि एक सेल डिवाइड कर गई है, एक सेल नहीं कर रही है। तो एक रेगुलरिटी जिसमें हम ये बोले कि 6th क्लीवेज आया है, 6th के बाद या 64 सेल स्टेज में मिलेगा, वो हम श्योर नहीं करते हैं, हो नहीं पाता है। उसके बाद सेल एम्ब्रियो है जो वो आगे फर्दर ग्रोथ में है, वो इस तरीके की रेगुलरिटी शो नहीं कर पा रहा है। माइक्रोमियर्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फास्टर देन द मैक्रोमियर्स। इसका रीजन पहले से ही था, क्योंकि वहां पर योक नहीं होता है माइक्रोमियर्स में, एनिमल पोल में योक नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी डिवाइड करते हैं और वो स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो ये देखो ग्रे क्रिसेंट यहां पर है, एनिमल हेमिस्फीयर यहाँ है, फर्स्ट डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरीके से कि स्पर्म की एंट्री कहाँ से होती है, अपोजिट टू द ग्रे क्रिसेंट की, वहां से उसके अपोजिट में होता है ग्रे क्रिसेंट, जब फॉर्मेशन होते हैं ग्रे क्रिसेंट के बाद में होती है जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाता है। ये मेरिडाइनल डिवीजन फर्स्ट क्लीवेज होगी है 3.5 आवर्स के बाद, फर्स्ट क्या हो जाती है 1 आवर, 2.5 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद 4 सेल स्टेज की आगी है, जिसके अंदर सेकेंड क्लीवेज हुई है, वो भी क्या है, इसी तरीके से हुई है। अब ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिवाइड हुए कि 4 सेल्स अपर, 4 लेयर सेल्स हैं जो नीचे, अपर वाले क्या हैं, छोटी हैं, दैट इज माइक्रोमियर्स, नीचे वाले क्या हैं, बड़ी हैं, दैट इज मैक्रोमियर्स। अब इसके बाद डिवीजन जब होती है तो ये अपर अलग अलग टायर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, अपर में भी वही माइक्रोमियर्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले में हमें देख के पता चल रहा है कि सेल्स क्या हैं, बड़े हैं, मैक्रोमियर्स हैं। अब डिवीजन धीरे धीरे स्टार्ट और भी ज्यादा बढ़ती है, सेल्स क्लीवेज और भी फॉर्मेशन, क्लीवेज और भी होती है इसके अंदर, तो सेल्स क्या है बहुत छोटे छोटे से हो जाते हैं, अपर वाले और लोअर वाले क्या है बड़े होते हैं। तब डोर्सल लिप इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, जिससे गैस्ट्रुला भी इसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके कि इसके अंदर फॉर्मेशन में क्या क्या, इसका सेल का फेट मैप क्या होता है। नेक्स्ट है कि मोरूला स्टेज इज अब्सेंट इन द फ्रॉग, क्यों,
एज द ब्लास्टोसील अपियर एज अर्ली इन द एट सेल स्टेज। ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन होती है जो सेल्स के एग के बीच में होते हैं कि अंदर यहाँ पर कैविटी होती है, सेल्स क्या जाती हैं सराउंडिंग में इस तरीके से मूव कर जाती हैं और बीच में ब्लास्टोसील की कैविटी होती है। तो ये सिर्फ कब एट सेल स्टेज पर ही ये दिखाई देगी है, तो मोरूला तो बना ही नहीं ना, पहले तो मोरूला होता है जो सॉलिड सेल स्टेज होती है, इसमें कंप्लीट सोलिडिफिकेशन होता है कि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, वो तो बना ही नहीं क्योंकि एट सेल स्टेज के ऊपर ही क्या आ जाती है ब्लास्टोसील आ जाती है, तो मोरूला इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या है इसके अंदर ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन इज ब्लास्टुला, क्योंकि ब्लास्टुला क्या है वही इसको कंप्लीट बताया गया कि स्टेज कैसी है। ब्लास्टोसील अपियर हो जाती है एट सेल स्टेज के ऊपर, क्लीवेज फर्दर प्रोसीड करती है और ब्लास्टोसील कैविटी क्या है इंक्रीज कर जाती है साइज में। जब ये फुली फॉर्म हो जाती है 32 सेल स्टेज के पास तब हम इसमें बोलते हैं सीलोब्लास्टुला। इसके अंदर अंदर जो कैविटी है वो सिलोमिक कैविटी है, वो क्या है सीलोब्लास्टुला की फॉर्मेशन करती है। टाइप ऑफ ब्लास्टुला का एक टाइप्स है कि इसमें कैसे सेल्स अरेंज करती हैं, तो उस अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट ये भी होता है जैसे फ्रॉक के अंदर होता है सीलोब्लास्टुला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे है। ब्लास्टुला अपीयर्स एज ए होलो स्पेरिकल स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ब्लास्टोसील कैविटी व्हाइल वॉल ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड द ब्लास्टोडा। किसके अंदर सेम इस तरीके से होता है कि अंदर क्या है कैविटी होती है यहाँ पर और साइड्स में क्या है सेल्स अरेंज होती हैं इसके अंदर, तो इससे जो साइड्स की जो सेल्स का अरेंजमेंट है इसको हम ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, बीच की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील कैविटी और इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है सीलोब्लास्टुला। ब्लास्टोसील इज एसेंट्रिक एंड सिचुएटेड एट द एनिमल हेमिस्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योकी मैक्रोमियर्स मिलो। ये कहाँ पर होता है ये जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है, ये एनिमल पोल्स की तरफ होती है क्योंकि जो योक की है जो वेजिटल हेमिस्फीयर है या वेजिटल पोल है यहाँ पर तो क्या होता है योक होता है और सेल्स भी क्या बड़े हैं, तो जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है ये एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ईसेंट्रिक एक तरफ है। इसमें हम इस तरीके से इसको बताते हैं कि ब्लास्टोसील कैसा होता है। अब है फेट मैप कि जो ब्लास्टुला बना है उससे फेट मैप की कि फिर आगे क्या बनेगा, ऑर्गन्स कौन से बनेंगे, उससे गैस्टुला के ड्यूरेशन में सेल्स कौन सी बनेंगी, उसमें लेयर कौन सी बनेगी, एपिडर्मिस बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी, मेसोडर्म बनेगी, ये होती है फेट मैप की, उसका डिसाइड करना, उसका भाग्य डिसाइड करना, ये ब्लास्टुला के स्टेज में भी हम कुछ लेवल तक बता देते हैं। स्पेसिफिक एरिया सच एज द एरिया इज प्री डिटरमाइंड, प्री की पहले से ही हमें इसको घोषणा कर देते हैं कि यहाँ से ये चीज बनेगी, प्री डिटरमाइंड टू फॉर्म द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो की एम्ब्रियो का इससे कौन सा पार्ट बनेगा, दैट इज द फेट मैप। फेट मैप इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला कि ब्लास्टुला जब बना हुआ है वहां पर हम उसका पिक्टोरियल उसकी पिक्चर बता पा रहे हैं कि यहाँ से इससे आगे जाने के बाद इससे यहाँ से नर्व सेल्स बनेंगी, इससे एपिडर्मिस बनेगा, इससे यहाँ से न्यूरॉन्स बनेंगे, वो चीजें बता पा रहे हैं, दैट इज द फेट मैप। फर्स्ट वन इज अ प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया कि एक्टोडर्म कहाँ से बनेगी, कहाँ से बनती है, द एंटायर पिगमेंटेड एरिया ऑन एंड अराउंड द एनिमल पोल इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल एरिया। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हमने उसको डिस्क्राइब किया है, पहले से ही बताया है कि ये होगा कि एनिमल पोल का जो एरिया है पिगमेंटेड एरिया वो क्या बनाएगा, एक्टोडर्मल एरिया बनाएगा, वो एक्टोडर्म बनाएगा। प्रोस्पेक्टिव न्यूरल्स में क्या आता है, प्रिजमेटिव एरिया ऑफ द ऑर्गन एक्टोडर्म ऑक्यूपाई द डोर्सल, उसमें क्या होता है ये डोर्सल साइड में जो ऊपर का लेयर होता है ये चीजें, ये जो एरिया है एनिमल पोल का ये एक्टोडर्म बनाता है, इसके जो साइड का एरिया होता है ये न्यूरल एक्टोडर्म बनाता है, इसमें ग्रे क्रिसेंट का होना इसके साथ जरूरी होता है तब बनाता है, ये एपिडर्मिस इसके साथ की इधर वाला एरिया इसका एपिडर्मिस बनाता है, ये वेंट्रल साइड बनाएगा, यहाँ से डोर्सल साइड बनेगी इसकी। मेसोडर्म में ये एरिया इसका ब्लड और किडनी बनाएगा, बीच का एरिया है वो सोमाइट्स बनाएगा, इसके अंदर ये नोटोकॉर्ड बनाएगा, वेजिटल जो हेमिस्फीयर है ये क्या बनाएगा एंडोडर्म बनाएगा। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या है जो तीनों डर्मिस बनती हैं, एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म, ये तीनों जो जर्म लेयर बनती हैं ये क्या होती हैं पहले से डिसाइड होती हैं और इनसी से क्या है तो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है कि एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के साथ एपिडर्मिस,
न्यूरल एक्टोडर्म ये बनेगा, मेजोडर्म में क्या बनेंगे, ब्लड बनेगा, किडनी बनेगी, इसके साथ सोमाइट्स बनेंगे, सोमाइट्स के साथ नोटोकॉर्ड्स बनेंगी। नोटोकॉर्ड्स क्या है, इसके साथ की मेजोडर्म का एरिया भी लगता है कुछ और कुछ एक्टोडर्म का एरिया भी लगता है, वो तब जाके नोटोकॉर्ड्स और नर्वस टिश्यू कंप्लीट होते हैं। एंडोडर्म है वो नीचे जो एनिमल हेमिस्फीयर है, वेजिटल हेमिस्फीयर है सॉरी, वो क्या बनाता है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या होता है, फेट मैप की, पहले से हमने इसको इसके भाग्य को इसके फेट को डिसाइड कर दिया है। तो एपिडर्मिस एक्टोडर्म क्या करता है, एंटीरियर डॉर्सल साइड ऑफ द ब्लास्टुला, एंटीरियर भी और डॉर्सल साइड भी ब्लास्टुला की बनाता है वो उसकी। फ्यूचर आईज प्रेजेंट इन द न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म में क्या बनाता है, ये देखो यहाँ पर जो न्यूरल एक्टोडर्म है यहीं से क्या है आगे जाके आई की फॉर्मेशन होती है उस एम्ब्रियो के अंदर, उस न्यूली फॉर्म एम्ब्रियो के अंदर। प्रोस्पेक्टिव जो कोरडा मेजोडर्मल है कि मेजोडर्म का एरिया है जो, वो कहाँ से बनेगा, कहाँ से, जो ग्रे क्रिसेंट है और मार्जिनल जोन है जो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर नोटोकॉर्ड्स एंड मेजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, जहां से हमने आपको कंप्लीट बताया है ये जो एरिया है ये ग्रे क्रिसेंट का और लोअर है जो इसका एनिमल हेमिस्फीयर का, इसके नीचे से यहां से क्या बनेगी, प्रोस्पेक्टिव मेजोडर्म्स की फॉर्मेशन होती है। नोटोकॉर्ड एरिया इज प्रेजेंट फ्यूचर मेजोडर्म एरिया एंड डिफ्रेंशिएटेड इंटू सोमाइट्स मेजोडर्म एंड द लेटरल प्लेट मेजोडर्म्स, उसके अंदर सोमाइट्स भी बनेंगे उसके और जो लेटरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है वो भी फॉर्मेशन होती है कहाँ से, नोटोकॉर्ड्स का एरिया जो दिखाई देता कहाँ पर, मेजोडर्म के अंदर, जो मेजोडर्म के अंदर यहाँ नोटोकॉर्ड है यहीं से क्या बनते हैं इसके लेटरल प्लेट मेजोडर्म्स भी बनते हैं और सोमाइट्स के भी फॉर्मेशन यहीं से कंप्लीट होती है इसके अंदर। फेट्स क्या होते हैं, डिसाइड ड्यूरेशन जब डेवलपमेंट होती है तभी हो जाती है, ये देखो इसके अंदर ये इसका एंटीरियर साइड बनता है यहाँ से, ये लेटरल प्लेट मेजोडर्म है, ये सोमैटिक मेजोडर्म्स है जो मेजोडर्म से ही बनेंगे, नोटोकॉर्ड्स इसके साथ बनेगी, यहाँ से जो एक्टोडर्म है उस एक्टोडर्म में यहाँ से लेंस बनता है, एपिडर्मिस एक्टोडर्म होता है, आइस की फॉर्मेशन इस रीजन से होगी, सिफालिक यहाँ से क्या बन जाता है, विसरल पाउच जो एंडोडर्म्स में है वो आ जाएंगे, और डोर्सल लिपो ब्लास्टोपोर, ये डोर्सल लिपो ब्लास्टोपोर जो है जिससे माउथ बनता है या फिर एनस बनता है ये डिसाइड होता है कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोस्टोमस है या फिर ड्यूटेरियोस्टोमस है, उस तरीके से ये डिसाइड होता है। तो ये इसका व्यू है कि इसमें कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ये फेट डिसाइडेड होते हैं इनके। एट द फ्लोर एंड द रूफ ऑफ सोमैटिक मेजोडर्म्स, जो कि जो मेजोडर्म्स हैं वहां पर क्या बनेंगे, प्रीकॉर्डल मेजोडर्म्स और द टेल मेजोडर्म्स रिस्पेक्टिवली, कि प्रीकॉर्डल मेजोडर्म बनेगी उसके नीचे से, सोमाइट्स मेजोडर्म के मेजोडर्म के नीचे से क्या बनती हैं, ये देखो मेजोडर्म्स इसके नीचे क्या जाती है, एंड ये फ्लोर है जो इसके यहाँ से ये बताया है, ये क्या बनाएगा, फ्लोर एंड रूफ ऑफ सोमैटिक मेजोडर्म्स क्या बनाएगी, फ्लोर क्या बनाएगी, प्रीकॉर्डल मेजोडर्म बनाएगी और रूफ क्या बनाएगी, टेल मेजोडर्म बनाएगी। और प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल एरिया क्या है, वेजिटल हेमिस्फीयर क्या बनाता है, एंडोडर्म। तो ये कंप्लीट उसी एक ही पिक्चर से शो हो रहा है कि जो एक्टोडर्म में क्या होती है, एपिडर्मिस आती है, नर्वस टिश्यू आता है, न्यूरल एक्टोडर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से ये बनता है स्पर्म एंट्री करता है दैट इज द वेंट्रल साइड, जहाँ डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर होता है, सॉरी ग्रे क्रिसेंट होता है, वहाँ से क्या होती है डोर्सल फॉर्मेशन, डोर्सल साइड फॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म की। मेजोडर्म के इस एरिया से जो एक्टोडर्म के बिल्कुल इस साइड में लगता है ये क्या बनाता है, ब्लड और किडनी बनाता है या फिर मेजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर ये अगर हम सिंपल वे में बोलते हैं तो ये है एक एग और यहाँ तक है इसका एनिमल हेमिस्फीयर एनिमल, और ये क्या है नीचे वेजिटल, और ये रीजन है जहाँ पर कुछ रीजन एनिमल हेमिस्फीयर का आता है और कुछ रीजन वेजिटल हेमिस्फीयर का आता है। तो ये बनाएगा मेजोडर्म, ये बनाएगा एक्टोडर्म और ये बनाएगा एंडोडर्म। तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है कि एनिमल हेमिस्फीयर क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, ये मेजोडर्म बनाएगा और ये क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। और इसके अंदर से फिर डिसाइडेड होता है कि एक्टोडर्म में क्या क्या बनेगा, एपिडर्मिस बनेगी, नर्वस टिश्यूज बनेंगे, मेजोडर्म में क्या है जो मसल्स हैं, किडनी है, ये सब फॉर्मेशन होंगे, नोटोकॉर्ड्स बनेंगे, सोमाइट्स बनेंगे, एंडोडर्म्स में जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उन सब की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे क्या है इसके फेट मैप हैं, ये डिसाइडेड किया जाता है कि ब्लास्टुला से आगे चल के गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरेशन में किस ऑर्गन से, किस पार्ट से सॉरी किस पार्ट से क्या आगे जाके कौन सी जर्म लेयर बन रही है या फिर कौन सा ऑर्गन आगे जाके फॉर्मेशन होगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसके रेगुलरिटी से आप इसको देखेंगे और कंप्लीट इसको रिवाइज करेंगे, पहले वाले भी और अभी वाले भी, तो उसमें आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।